जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के बुद्धिपुर गांव में मंजू सहित पांच विधवा महिलाओं का पिछले 3 साल से विधवा पेंशन नहीं मिल रहा था, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के माध्यम से समुदाय को जागरूक कर उनके सहयोग से इस समस्या पर बदलाव ला पाई हूँ। तो आपका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा कैसे चलता है? मोती गुड़िया गुहित लड़कियाँ से भी गुवाए थे और स्कूल से आते बच्चे अपन मेरे साथ काम कर रहे थे, तो वही से हमारा खर्चा चला था। पेंशन बिना प्रधान से आप बात कर रहे हैं? हाँ, प्रधान के पास हम गल रहे, लेकिन प्रधान कुछ हमारे करे ना, कहना आई आई, अब इन दोनों ही इंतजार कर रहे थे। अब शायद हमारे पेंशन मिल जाए तो हम अपन बच्चे कम से कम अपन पढ़ाई लिखाई में मैं करी, जैसे हम लेन देन करें तो हम दो पैसा अपन जैसे कर्ज लेती हूँ दे सकी। तो आपका खर्चा कैसे चलता? खर्चा ना चलता हमारे। तो का दिक्कत होता? का दिक्कत बा, बीमार हो जाए थे तभी एको पैसा ना हमारे पास। तो प्रधान से आप बात करे रही? प्रधान से बात करे रहे तो कहा थे ना आवाता को बार ना यार। खाता खुला हो आपका? खाता खुला है। के खुलवाए रहा खाता? प्रधान है। तो आगे आप का चाहत है? हमें कुछ आसान दे प्रधान। विधवा पेंशन 3 साल से ना मिलत रहा तो बहुत परेशान रहे, तो उषा जी आए हमारे वीडियो कैमरा के नहीं मीटिंग भर, फिर हम सब वीडियो साहब पास गए, फिर पेंशन आवे लगे, तो वही से कुछ पेंशन इसे खर्चा कुछ अपन काम धंधा करके मोती गुड़िया बुई के कुछ अपन लड़कियों का खर्चा देखा लगे। और उषा जी के हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो हम सबके मतलब मदद करनी। आपका क्या समस्या है? परेशानी है रहा कि आदमी मर गया, प्रधान ले गए नोट दिवाइन घेर आई थी, और हमारे 3 साल पैसा विधवा नहीं बनल, और उषा आई हमारे साथ ही मदद करी, और वीडियो कमरा में हमें फोटो खींची ले गए ब्लॉक पर, उनके साथ गए ब्लॉक पर, और वो अधिकारी लोग से मिले तो हमारा पैसा मिले लगे। मिले से का फायदा? मिले से फायदा भल कि नून तेल चला था हमारे दर्द दवाई के होता। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह इन सब की समस्याओं पर वीडियो बनाती रहूं। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नहर के लिए।